हेलो। जी, बहन छाया बोल रही हूँ हाँ बोल रही हूँ, जी। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। हम आपकी कॉल प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले आप हेलो कहिएगा, फिर अपनी बात शुरू कीजिएगा। हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हेलो, हाँ हेलो सर। नमस्ते सिस्टर नमस्ते। छाया, थैंक यू सर। नमस्ते। तुम्हें हम कशा आयात? आम्ही ठीक आहे सर। तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घेत आहात ना? हो सर। आप बताइए, आप अपने परिवार को अपनी सेवा भाव के प्रति कैसे आश्वस्त कर पाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो, हो सर, तो परिवार को भी चिंता होती होगी। होती है ना, लेकिन जो चिंता है, लेकिन करने चिंता तो करनी होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर। सेवा देने की है आओक, इसीलिए वो हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जब जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे। बहुत डरे होते हैं, एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं, और जो पेशेंट 9 पेशेंट है वो तो बहुत अच्छे हैं, वही बताते हमको कि पॉजिटिव आया तो भी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, डरने का तो नहीं है। हम उनके जाके उनको दवाई देती है, सब बातचीत करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो मन में रहता है उनका, लेकिन हम वो डर निकालते हैं, बात अच्छी तरह बात करते हैं जाने के बाद, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। पेशेंट के परिवार जरा नाराजगी व्यक्त करते होंगे, क्योंकि बड़ा सबको चिंता रहती है, क्योंकि दुनिया नहीं में जब पेशेंट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर। हाँ सिर्फ हाँ, वही पेशेंट वही क्वारंटाइन हाँ है ना, हाँ तो उनसे तो बात नहीं होती। हाँ पेशेंट के परिवार को मत आने दो। नहीं, किसी को अंदर तो नहीं आने देते ना, हमारा स्टाफ और जो पेशेंट है उनको ही अंदर आते दे, सब हॉस्पिटल क्वारंटाइन है ना। आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, हो सर। तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो हाँ सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है। उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, डरने का नहीं, काम करने का, और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है, यही ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का ये। चलिए सिस्टर, मेरा आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जिस हिम्मत से जुटी हुई हैं, और आपकी तरह देश की लाखों हमारी सिस्टर्स जो हो सब। अस्पताल में हैं, हाँ काम कर। नर्सिंग स्टाफ हैं, हो सर। पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से एक तपस्वी की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके। धन्यवाद जी। सर एक आपको ये हाँ हमारे हॉस्पिटल और हाँ मैं हमारा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आपके लिए आदरणीय आपको ये करता है, सैल्यूट मारता है कि हमारे तुमने ये किया, हमारे इतने छोटे से देश के छोटे से हॉस्पिटल में हमारी ये किया, पूछताछ की, इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपका तहे दिल से आभारी हो और आभारी देखिए, रहूंगा। मेरा मेरा कर्तव्य है और हम सबको मिलकर के लड़ाई जीतनी है। हाँ वो तो है, लेकिन सर मैं मेरी ड्यूटी कर रही है, आप तो पूरा 24 घंटा या पूरा आप देश की सेवा कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा ही, हमको ये मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए। नहीं, मेरा कर्तव्य है, आप लोग मुझसे ज्यादा करते हैं। नहीं, सर हमारे हाँ लिए तो तुम भी हमारे देवता है, और पूरे देश को तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भावनाओं के लिए। परमात्मा आपको भी शक्ति दे, और आप जैसी बहनों के आशीर्वाद मुझे और काम करने की ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।